नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। आपको बता दें कि पत्रकार की टीम है समाज सेवी के साथ पूरे सिवान के चौक चौराहा के साथ साथ अभी सिसवन ढाला पे गरीब लाचार लोगों को खाना खिलाया। अभी सिवान के रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं जहां जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उन्हें खाना खिलाया जाता है। चलिए बात करते हैं उन लोगों से जो इन गरीबों के बीच एक पत्रकार की टीम है जो पहुँची है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। अभी सिवान के हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो गए हैं जहां पत्रकार की गरीबों के बीच पत्रकार की एक टीम है जो रोज़ गरीबों को खाना खिलाता है। सिवान के रेलवे स्टेशन हो गया या सिसवन ढाला होगा या स्टेशन हो गया, आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे GRP के थाना प्रभारी भी हैं और हमारे साथ कई लोग हैं जो गरीब लोगों को खाना खिला। हमारे साथ यहाँ पे जीशु भैया भी हैं, खिला रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट राजीव रंजन भी मौजूद हैं। हम बात करें प्रेस क्लब की तो प्रेस क्लब के कई लोग यहाँ मौजूद हैं सिवान रेलवे स्टेशन पे, और लायंस क्लब के अध्यक्ष हैं हमारे अनिल पाठक जी, वो भी यहाँ पे स्टेशन पे मौजूद हैं। कहेंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कोई खाना लेके आएगा और फिर हमें खाना मिलेगा। आपको दिखाना चाहेंगे सिवान का रेलवे स्टेशन है। आइए हम बात करना चाहेंगे यहाँ से कुछ लोगों से कि क्या सोच आई कि सिवान में इस गरीबों को खाना खिलाया जाए। हमारे साथ यहाँ अरविंद पाठक जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में वैसे लोग हैं जो पैसे से मजदूरी करते थे, ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। ऐसे में उनकी जो मजदूरी थी रिक्शा या ठेला से जो उन रोज़ कमाते थे, उनकी कमाई जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऐसे में उनके खाने में एक बड़ी समस्या थी। वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी ट्रस्ट और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के माध्यम से यहाँ लगभग 20-22 दिनों से प्रतिदिन खाना यहाँ खिलाया जा रहा है। सब लोग अपने लोग हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति जो है वो जो भूखा है उसकी भूख हमारी भी भूख है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलजुल करके जो लोग भूखे हैं उन तक उनकी भूख मिटाने का प्रयास करें। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर कुछ अच्छी बात कही कि जो भूखे लोग हैं उन्हें खाना खिलाने से सुकून मिलता है। और भी हम यहाँ पर GRP के थाना प्रभारी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, देखिए, लहरों ने ठानी है कश्ती डुबोने की, लेकिन दिल में भरोसा है कि दरिया पार करना है। कोरोना के इस विभत्स रूप के अंतर्गत बहुत विषम स्थितियां उत्पन्न हो गई है देश के नागरिकों के समक्ष, लेकिन वैष्णो देवी दर्शन समिति के जो भी सदस्य हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अपरिहार्य कार्य देख करते हुए जो भी वंचित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें खाने की इनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इस विषम स्थितियों में उनका ये जो कार्य है और जिससे जो भी लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। और ये हमेशा लॉकडाउन तक, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये कार्य किया जाता रहेगा। इनका ये कार्य बिल्कुल ही निस्संदेह बहुत ही सराहनीय कार्य है। कि स्टेशन के आसपास जो भी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं और जो भी इस चीज़ की आवश्यकता को महसूस करते हैं, उन्हें कभी भी इस चीज़ की महसूस नहीं हुई कि वो किसी भी चीज़ से और खाने से और किसी चीज़ से वो वंचित हैं। थर्मल स्कैनर से
स्कैनर भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं जो थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ जितने भी पत्रकार लोग हैं सब लोगों का स्कैनिंग भी किया जा रहा है। यहाँ पे रामेश्वर सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे सर। अरे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जी, लोगों का जो देख रहा हूँ कि जिस तरह से समाज सेवी लोग, पत्रकार यूनियन और ये जो माँ वैष्णो देवी संस्थान के लोग लगे हुए हैं, और मुझे पता चला कि इस तरह की सेवा काम ये लोग पिछले 22 दिन से कर रहे हैं, तो मुझे देख के तो लग रहा है कि कोरोना के ही बहाने मानवता जग गया है। ऐसे तो कभी भी हमने पत्रकारों को देखा है तो हमेशा एगो हम लोगों को डर लगता है उन लोगों से, हमेशा वो खिंचाई के मुद्रा में रहते हैं लोग, लेकिन आज मानवता के रूप में और जिस तरह से गरीबों की सेवा करते हैं, ऐसे वो अपना काम हमेशा वो अपने ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी फील होता है कि पत्रकार को फेस करना माने एक टफ सिचुएशन, ये लोग हार्ड लोग रहते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो मानवता देख के आज मैं भी भाव विभोर हो गया हूँ, और अच्छा भी लग रहा है कि इन लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मुझे इज्जत दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे पत्रकार बंधुओं का और माँ वैष्णो देवी सेवा संस्थान का कि उन्होंने गरीबों के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति है सबको मालूम है कि क्या है, कोरोना तो अपने जगह पे है लेकिन इकोनॉमी का चक्का जाम हो गया है। हम लोग तो मान लीजिए कुछ हमारी औकात है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिसको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है और ऐसे समय पर उनका खाने का व्यवस्था कर देना, ये बहुत बड़ा मानवता का काम है। आजीवन ये पत्रकार यूनियन और माँ दुर्गा माँ वो वैष्णो देवी संस्थान का हमेशा आभारी रहूँगा, और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों के कार्य में प्रगति दे और इनके जैसी सद्बुद्धि बाकी समाज के लोगों को भी दे। बहुत अच्छा लगता है अभी जो कोरोना महामारी है जिसमें भगवान के रूप में डॉक्टर लोग का माना जाता है, और जब डॉक्टर पत्रकार की तारीफ करें तो बहुत गर्व महसूस होता है। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे मिथिलेश जी भी मौजूद हैं, उनसे भी। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वावधान में हम लोग 6 अप्रैल से ही रोज रात में ज़रूरतमंदों को पॉकेटबंद भोजन देते हैं, साथ ही उसको विटामिन की ज़रूरत है इसलिए फल और बिस्कुट का भी वितरण किया जाता है, ताकि वो सुबह में फल खा ले, बिस्कुट खा करके नाश्ता कर ले और पॉकेटबंद भोजन से रात में वो अपना खा करके सो जाए। अब देख सकते हैं कि सोशल डिफेंस का पालन करते हुए सारे पत्रकार यहाँ पे खड़े। 6 अप्रैल से हम लोगों ने इसको शुरू किया था और यह संकल्प लिया था कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा हम लोग सेवा देते रहेंगे, और तमाम साथी जितने भी साथी हैं, बहुत संगठन के लोग हैं, चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, पुलिस बल है, सारे लोगों के सहयोग से नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है और निर्बाध रूप से चल रहा है। भोजन में जहाँ तक पूड़ी सब्जी कभी देते हैं, कभी लिट्टी चोखा, और कभी कोई ना कोई फल निश्चित रूप से देते हैं कि ताकि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनमें कोई विटामिन की कमी ना हो, रोग से ग्रसित ना हो। किस तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें? सभी लोग सहयोग करते हैं, सभी लोग आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, चिकित्सक लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग बांटते हैं और मिलजुल के बनाते भी हैं और फिर बांटते भी हैं। साथ ही साथ जो बेजुबान है, जो जानवर है जिनको अभी इस वक्त में कहीं से भोजन खाने का सामान दिया जा रहा है, लोग जो बेजुबान कुत्ते हैं वो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और आज के स्थिति में जहाँ हम लोग इस स्थिति में गुजर रहे हैं, आदमी को खाना मुयसर नहीं हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जानवरों को भी ये हम लोग अपने जिस स्तर में हैं उनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, और यहीं पर नहीं 8-10 जगह ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को नियमित रूप से खाना दिया जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि सिवान के रिलेशन पे अधिवक्ता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे पत्रकार हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यही भारत का देश है। किसी भारत की मिट्टी में जहाँ हर लोग मिलजुल के रखते हैं, इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और इसी मिट्टी को भारत कहते हैं, जहाँ हर गरीब हो चाहे जात पात नहीं देखकर हर तरह के लोग यहाँ पे समाज, जो भूखे गरीब लाचार हैं उनकी सेवा कर रहे हैं।